हम लोग तो यही कह रहे थे बिल के ऊपर कि आप बिल जरूर लाइए और अधिकार है, चीज़ें जब बदलती हैं तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दी जल्दी बाजी में ये बिल लाया गया है जिसमें कि और भी ज़्यादा इनपुट आना चाहिए। तो विपक्ष यही सवाल कर रहा था कि और ज़्यादा इसको इनपुट हो, लोगों के बीच में उस पर बहस हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण बिल पास करा लिया गया। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां का बयान सामने आया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिल पास करने से दिक्कत नहीं है, जिस जल्दबाजी में यह बिल पास कराया गया है इससे दिक्कत है, क्योंकि जब भी कोई काम इस तरीके से जल्दबाजी में कराई जाती है उसमें किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका जरूर रहती है। तो वहीं शकील अहमद खां एनडीए सरकार को लेकर भी बड़ा दावा करते नजर आए कि जल्दी जेडीयू और भाजपा में कोई टूट हो सकती है। क्या कुछ कहा है शकील अहमद खां ने, पहले आप वो सुने। पहले भी कहा था कि छोटी मछली पकड़ी जाएगी, लेकिन फिर भी उसके बाद बावजूद भी है जो पास हो गया, क्या कहेंगे कि अधिनियम या जो बिल्स हैं वो तो अक्सरियत की बुनियाद पर पास कर लिए जाते हैं, क्योंकि सरकार है, नंबर उनके पक्ष में है तो बिल पास कर लिया जाता है। देखना यह है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कोई बेईमानी नहीं। अधिकांश समय में ये देखा जाता है जब इस तरह से हड़बड़ी में कोई बिल लाया जाता है तो उसके अंदर कुछ लैकुना छूट जाता है। हम लोग तो यही कह रहे थे बिल के ऊपर कि आप बिल जरूर लाइए और अधिकार है, चीज़ें जब बदलती हैं तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दी जल्दी बाजी में ये बिल लाया गया है जिसमें कि और भी ज़्यादा इनपुट आना चाहिए। तो विपक्ष यही सवाल कर रहा था कि और ज़्यादा इसको इनपुट हो, लोगों के बीच में उस पर बहस हो या उस पर स्टैंडिंग कमेटी भेजे, यही आप लोगों का सुझाव था। बिल के स्पीड से कोई प्रॉब्लम? शकील साहब कल एक बैठक बुलाई थी शिक्षा विभाग ने, उसमें कई कुलपति राजभवन के निर्देश पर शामिल नहीं हुए, सभी का वेतन रोक दिया गया है, सभी को 100 नोटिस कर दिया। शिक्षा विभाग ने कहा कि आपके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की जाए, राजभवन शिक्षा विभाग फिर आमने सामने, कैसा देख रहे हैं? सरकारें नहीं चल रही है तो आप राजभवन शिक्षा विभाग, गवर्नेंस जीरो है, दोनों पार्टियां आपस में सर्प डउल को तैयार हैं। कुछ दिनों के बाद आपको सुंदर सुंदर खबरें मिल जाएंगी। आपको बता दें, शिक्षा विभाग और राजभवन में एक बार फिर से जो तकरार है वो देखने को मिल रही है। जो कुलपति हैं वो शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद के पाठक ने निर्णय लिया है कि तमाम लोग जो भी उस बैठक में बुलाने पर भी शामिल नहीं हुए उन सभी के वेतन पर रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि जब सरकार ही ठीक से नहीं चल पा रही है तो शिक्षा विभाग और राजभवन की तकरार की बात क्या ही करें, सरकार में जल्द ही टूट होने वाली है, आपस में ही भाजपा और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं है, कह दिया इशारों में। साथ ही शकील अहमद खां ये भी कहते नजर आए कि कोई बड़ी खबर यानी कि कोई टूट की खबर जल्द ही भाजपा और जेडीयू के बीच में से बाहर आ सकती है। शकील अहमद खां बड़ा दावा करते नजर आए, बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही नेता, जो तमाम नेता हैं एनडीए सरकार में, वो भिड़ रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ी खबर जेडीयू और भाजपा के इस सरकार से सामने आ सकती है, यानी कि जल्द ही कोई टूट की खबर सामने आ सकती है, ऐसा बड़ा दावा करते नजर आए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां। क्या कुछ उन्होंने कहा यह हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।